मुक्तिबोध के शहर राजनांदगांव आना शायद मेरे जीवन की भी एक बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं लेखक की दुनिया बहुत बड़ी होती है, उसका साम्राज्य या उसके शब्दों का साम्राज्य इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है जिसके बारे में कवि ही कल्पना कर सकता है। दुनिया को बनाने वाले सृष्टि के रचयिता भी शायद जीवन को इतनी गहराई से नहीं देखते हैं जितना कि कवि और इस दुनिया को समझने वाले दार्शनिक देखते हैं। यह दिग्विजय कॉलेज के बगल का रानी सागर तालाब है, जहाँ पर कहते हैं मुक्तिबोध के ब्रह्म राक्षस का निवास था। थोड़ा आगे जाएंगे तो बावड़ी भी दिखाई पड़ेगी। कई बार हमें लगता है कि मुक्तिबोध जिस तरीके से जीवन को देखते हैं या भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं, वह एक अलग तरह की अनुभूति देता है, जिसे संवेदनात्मक ज्ञान कहा जाता है। इस संवेदना का मतलब जो लोगों का दुख है, जो लोगों की तकलीफ है, उसको समझने की कोशिश की जाए। और इसीलिए कई बार लगता है कि हम जीवन के जो अनुभव होते हैं, जो दुख होती हैं, जो तकलीफें होती है, उसको हम कई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और कहा जाता है कि जो दर्शन होता है, जो जीवन दृष्टि होती है या जो देखने की कला होती है, वह इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। मुक्तिबोध के साहित्य को जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि मुक्तिबोध अपने समय के जो सवाल हैं, जो समय के जो पूरी दुनिया में जो चीज़ें घटित हो रही है, उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। वह समय चाहे 1947 का हो या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय हो, जिस तरीके से पूरी दुनिया में मानव सभ्यता पर संकट आ रहा था और जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया था, अस्मिता ही अपने को तलाशने की जिस बात की तरफ इशारा नामो सिंह करते हैं कि कई बार मुक्तिबोध इस दुनिया में रहते हुए अपने होने के अर्थ की खोज भी करते हैं। यह अर्थ बहुत बड़ा होता है कि आप हैं क्या, कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं, यह दुनिया कैसे बनी है, आसमान में पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, तालाब में पानी कैसे हिलोर ले रहा है। यह भी कहा जाता है कि हरिशंकर प्रसाई जब कभी यहाँ आए थे मुक्तिबोध के यहाँ, तो मुक्तिबोध ने एक रात में उनको अंधेरे में कविता का पाठ किया था, पूरा सुनाया था। और जिस घर में वो रहते थे, जहाँ पर अब संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पर कहा जाता है कि जो बूढ़ा सागर जिसे कहते हैं, उसकी लहरें जब हिलोर लेती थी तो पूरा का पूरा मुक्तिबोध के घर से टकराती थी। यह टकराहट भी एक अलग तरह की टकराहट है। देखेंगे कि यह वही पावड़ी है जो सामने दिखाई दे रही है, जिसकी चर्चा मुक्तिबोध अपने ब्रह्म राक्षस कविता में करते हैं। इसी पावड़ी की सीढ़ियों पर शायद उस दुनिया की सारी घटनाएं घटित होती है जिसकी चर्चा हिंदी साहित्य करता है। चाहे मुक्तिबोध के अध्येता नेमीचंद जैन हो या नामो सिंह हो या और भी कोई हो, ये सारे के सारे मुझे बार बार लगता है कि जब तक मुक्तिबोध के इस स्थल पर नहीं आया जाएगा, तब तक मुक्तिबोध की कविताओं का व्यापक अर्थ समझना बहुत ही कठिन काम है। यही रानी सागर है और इसी बावड़ी में राजघराने की रानियां स्नान करने के लिए आती थी सीढ़ियों से उतर करके। अब यह बहुत पुराना हो गया है। यह कॉलेज 1957 में बना था और मुक्तिबोध ने यहाँ 1958 में ज्वाइन किया था। तब कहा जाता है कि यह जो महल है, जो राजघराना है, यह तीन तरफ से इस तालाब से घिरा हुआ था और एक तरफ धरती के ककोना था। और कल्पना करिए 1957-58 के आसपास जिस तरीके से यहाँ पर की जिंदगी होगी, चारों भयानक जंगल होंगे, अंधकार होगा। और वहाँ पर उस समय मुक्तिबोध और कुछ और इस कॉलेज के अध्यापक जो थे, इस राजघराने द्वारा दी गई महल के कुछ हिस्सों में रहते थे जहाँ कॉलेज की पढ़ाई शुरुआत हुई या कॉलेज चलना शुरू हुआ। यह भी एक अद्भुत ज़िंदगी का ब्यौरा होता है। कई बार ऐसे ब्यौरे हमें जीवन को समझने में मदद करते हैं, एक लेखक को समझने में मदद करते हैं, उसकी ज़िंदगी को समझने में मदद करते हैं। और मुक्तिबोध जिस तरीके से अंधेरे में कविता या ब्रह्म राक्षस या और भी कविताओं में जिस तरीके से अपने समय के सवाल को, मानव समाज के संघर्ष को, उसके होने के अर्थ को हमारे सामने रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा ही अर्थ है। वह समय ही कुछ और था, पूरी दुनिया बदल रही थी,
भारत भारत का विभाजन होता है, दंगे में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, हत्याएं होती है, स्त्रियों का बलात्कार होता है, और 1950 के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजी उत्तर औपनिवेशिक दौर में प्रवेश करती है, जिसकी तरफ फ्रेडरिक जेम्सन भी इशारा करते हैं, तो पूरी की पूरी दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। भारत में नेहरू का युग था, नेहरू के सपने थे, वैसे ही यहाँ के लोगों के भी अपने सपने थे ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, और उस सामने आपको मुक्तिबोध का संग्रहालय दिखाई पड़ेगा जब बना दिया गया है। तो यह एक दुनिया को एक मुक्तिबोध को समझने की भी कोशिश है, और मुझे बार बार लगता है कि अगर हम साहित्य को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, लेखक की रचनाओं को समझना चाहते हैं, तो उसके डोमेन एरिया में जाना बहुत ज़रूरी है, उन जगहों पर जाना बहुत ज़रूरी है जहां पर रहकर लेखक अपनी कहानियां, कविताएं लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, महाकाव्य लिखते हैं। जैसे कि अमृतलाल नागर ने जब मानस कांस लिखा तो बनारस गए, खंजन ने लिखा तो ब्रजभूमि गए, और इस तरीके से उन्होंने तुलसीदास और सूरदास के जीवन को समझने की कोशिश की। मुक्तिबोध पर भी लिखने के लिए, मुक्तिबोध को भी समझने के लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मुक्तिबोध को समझने का दावा करना व्यर्थ है।